अपनी मनपसंद फिल्में देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी पार्लर, बेल आइकॉन को दबाएं। कौन सा गुड़ भरा है इस मॉर्निंग में? वही रोज के जैसा दिन, जिसका हर पल मेरे लिए तय कर दिया गया हो कि मुझे क्या करना है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ मम्मी। ये क्या फिर दूध? माँ मैंने कितनी बार कहा है मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता। आई हेट मिल्क। मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ। ये सब अपने पापा से कहना, ये उन्हीं का हुक्म है और बच्ची तो तुम हो ही। वाह माँ, कभी कहते हैं तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम बड़ी हो, और कभी कहते हैं ये सब करने की तुम्हारी उम्र नहीं क्योंकि तुम बच्ची हो। यानी जब उनकी मर्जी चाहे मैं बच्ची हो गई और जब उनकी मर्जी चाहे मैं बड़ी हो गई। तू इसलिए ऊंचा बोल रही है क्योंकि तेरे पापा घर में नहीं है। नमस्ते रतन सिंह, ये बच्चे कौन है? ठाकुर साहब, ये मेरी बेटी और दामाद है, आपसे आशीर्वाद लेने आए। जीते रहो जीते रहो भाई। आपकी बेटी की शादी हो गई और हमें खबर तक नहीं। आप हमारे मैनेजर हैं, इतना हक तो हमारा बनता है। शादी मैंने नहीं करवाई ठाकुर साहब, दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं दोस्ती हो गई और वहीं कोर्ट मैरिज कर डाली। कोर्ट मैरिज? बेटी आपकी है या कोर्ट की? और फिर आपकी बेटी ने यह भी जरूरी नहीं समझा कि आपकी इजाजत ले ले। उसे डर था ठाकुर साहब, वो इजाजत लेने आएगी तो मैं ना कर दूंगा। क्यों? क्योंकि लड़का होनहार तो है मगर ठाकुर नहीं। ठाकुरों के रिश्ते ठाकुरों में ही होते हैं रतन सिंह। फिर ये शादी मंजूर करके मेरे पास आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जमाना बदल गया है ठाकुर साहब। कुछ नहीं बदला है रतन सिंह, कुछ नहीं बदला। क्रिकेट अपना रंग बदल सकता है मगर शेर कभी नहीं। ठाकुरों के आन बान मान मर्यादा कभी नहीं बदलती, कभी नहीं। अब आप जा सकते हैं और आइंदा यहां आने की तकलीफ ना कीजिएगा। आप बेवजह नाराज हो रहे थे, लीजिए चाय पीजिए।
ये उनका निजी मामला है, आपको क्या? आप चुप रहिए, रिश्ता बराबर वालों में होता है। हाँ, राधा का रिश्ता हमने ठाकुर अमर सिंह के साथ करने का फैसला किया है। कल ही उनकी माताजी हमारी बेटी को देखने आ रही हैं। उमा देवी? राधा की मर्जी भी पूछ ली जाती तो अच्छा होता। आपके पिताजी ने आपकी मर्जी पूछी थी? जी नहीं। तो फिर हमें भी अपनी बेटी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, उसका अच्छा बुरा हम खुद समझते हैं। वाह, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है आपकी बेटी। मेरे अंबर और उसकी चांद सूरज किसी जोड़ी बनेगी। शायद शर्मा आ गई। तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? रिश्ता आपके खानदान से किया है ठाकुर साहब, राधा को देखने तो आपकी जिद के लिए चली आई। आपकी बेटी बहुत खुशकिस्मत है, वो एक हवेली से निकलकर दूसरी हवेली में जा रही है। माँ, मैं ये शादी नहीं करूंगी, मैंने अभी जिंदगी देखी कहाँ है। इस हवेली के बाहर दुनिया क्या है, कैसी है, मैंने अभी कुछ जाना नहीं। माँ, हमने किसी चीज की कमी नहीं रखी बेटी, तुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ इस हवेली में मौजूद है। माँ, मैं दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, अपने ढंग से खोजना चाहती हूँ, ढूंढना चाहती हूँ, अपने दिमाग से सोचना चाहती हूँ। मैं, मेरी भी दुनिया है माँ, सिर्फ तुम्हारी और पापा की ही नहीं। आखिर तू चाहती क्या है? मैं इस हवेली से बाहर निकलना चाहती हूँ। जब कॉलेज जाने के लिए भी तेरे पापा राजी नहीं हुए तो तूने ये कैसे सोच लिया कि तेरे बाहर जाने के लिए इजाजत दे देंगे वो? तुम एक बार पूछ के तो देखो ना माँ, प्लीज। इस हवेली में औरतों को राय देने का नहीं, सिर्फ सुनने का हक है। तो ठीक है, कहाँ जा रही हो? इस घर में सिर्फ एक ही तो है जिसे मेरी मर्जी की फिक्र है। चाचा जी, चाचा जी। क्या बात है बेटी? ये क्या हाल बना रखा है अपने कमरे का? जो जिंदगी का हाल है वही इस कमरे का है। मैं तो खुद तन्हाइयों में रहता हूँ, इस कमरे की देखभाल कौन करे? आप कस्तूरी से इतना प्यार करते थे। जान तो चले गई, जिस्म रह गया, जिसे जगाता हूं और सुलाता हूं। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले ये बताओ कि मेरी बेटी के चेहरे पर ये उदासी कैसी? चाचा जी, मैं कुछ दिनों के लिए हवेली से बाहर जाना चाहती हूँ। वो अपनी हिल स्टेशन में कोठी है ना, वहाँ। और तुम्हारा वो थानेदार बाप तुम्हें जाने के लिए इजाजत नहीं दे रहा है, क्यों? इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। बेटी, तेरे लिए तुम्हें यहाँ टिका हूँ, वरना कस्तूरी की मौत के बाद मेरे जीने की कोई वजह नहीं रह गई थी। कुछ शराब ने सहारा दिया और कुछ कस्तूरी की याद ने, बाकी तेरी खुशियों को बड़े होते देखने की तमन्ना। चाचा जी, तो आप पापा से बात करेंगे ना? बात? अरे पगली, अगर जरूरी हो तो लड़ लूंगा तेरे लिए। चाचा जी, मैं अक्सर शराबियों के मुंह नहीं लगता, चाहे वो मेरा छोटा भाई क्यों ना हो। तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो जाकर मैनेजर से ले लो। मेरी खुशियां आपकी मेहरबानी की मोहताज नहीं है भाई साहब, मैं राधा की खुशी मांगने आया था। वो कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन की कोठी में जाना चाहती है। अपनी बेटी की खुशी की हर चीज मुहैया की है हमने। हथकड़ी सोने की भी हो तो कंगन नहीं बन जाती भाई साहब। यहां उसे सांस लेने के लिए भी आपसे इजाजत लेनी पड़ती है। खुले हवा में सांस लेगी तो उसकी सेहत भी बन जाएगी और आपकी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को कोई कमी नहीं होगी।
आखिर वो अपने ही कोठी पर तो जा रही है। ठीक है, मगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए, और उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ दो चार आदमी भी कर देना। राम राम मालकिन जी, राम राम, राम राम भाई जी, उतरिए बेबी जी। पता नहीं पापा ने इन बेवकूफों को मेरे साथ क्यों भेज दिया है। आपका ख्याल रखने के लिए। शार आप चुप। एक तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, ऊपर से राधा को यहाँ गिरा दिया। आखिर तुम लोगों का ध्यान है किधर? ध्यान ध्यान कहीं और था, इसलिए तो एक्सीडेंट किया हमने, और फिर इस गाड़ी का इंतजाम किया हमने, और आपको सही सलामत यहाँ पर पहुँचाया भी हमने, और हर वक्त आपके साथ रहेंगे हम ही। थैंक यू। उल्लू कहीं के उधर उधर उधर। यूं इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। देखा ना तूने, पापा ने इन्हें राहु केतु की तरह यहाँ पे भी भेज दिया है, और तूने ही कहा था तू इन्हें संभाल लेगी। वहां पे भी कैद और यहाँ भी कैद। हाँ हाँ बाबा, मैंने कहा था कि मैं इन्हें संभाल लूंगी, तू फिक्र क्यों करती है? तू यहाँ क्या करने आई है? चार दिन आजाद पंछी की तरह गुजारने के लिए ना, तो तुम वैसे ही गुजारोगी। हाँ राधा, मेरा विश्वास करो। तुम फिर यहाँ? बेबी ठाकुर साहब ने हमें कहा है साए की तरह तुम्हारे पीछे रहने के लिए। लेकिन अभी तो मैं घर में हूँ। वो क्या है कि बेबी इन खिड़कियों में सलाखें नहीं है ना। तो क्या हुआ? ये शहर नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ के लोगों के दिल दरवाजे और खिड़कियों की तरह खुले होते हैं। जाओ तुम यहाँ से। जाए तो जाए जहन्नुम में। राधा कुछ सुना तूने क्या? बांसुरी की धुन। बांसुरी की धुन? तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा? हाँ सुनाई तो दे रही है। लगता है ये सुर मुझे बुला रहे हैं। बेबी कुछ चाहिए? कुछ चाहिए? तुझे बाहर जाना है ना, सुन। जब देखो बिंदिया बिंदिया बिंदिया। लेकिन मैं तो उसके लिए सिर्फ दूध लेकर गया था। अरे आज तो उसके लिए दूध लेकर गया था, कल पता नहीं। बिंदिया तुम कहाँ जा रही हो? बिंदिया नहीं मैं हूँ। अब बेबी आप इस लिबास में क्यों? आपको कोई एतराज है? नहीं 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 नहीं, लेकिन आपके साथ बिंदिया नहीं चल रही? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वैसे भी आप तो हमारे साथ हैं। हाँ, मैं जरा रुमाल बुलाई हूँ। हाँ जरूर लेके आऊँ। जरूर, हम तो आपके साथ हैं ही। हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी, बिंदिया बन के खिसक रही थी। हम भी कयामत की नजर रखते हैं। बेबी सुनो, तुम बेबी के साथ जाओ, मैं बिंदिया का ख्याल रखता हूँ। चुप कर, हमें आप बिंदिया का नहीं बेबी का ख्याल रखने के लिए भेजा। चलो बिंदु। बदतमीज, अकेली लड़की देखी तेरी ये हिम्मत? शुक्रिया जी,
मुझे क्या पता जान बचाने का ये नाम मिलता है। जान बचाने का वो देखिए। बाप रे, एक कदम और आगे लेती ना उस दुनिया में पहुंच जाती। आओ सुनो, थप्पड़ जोर से तो नहीं लगाना। अब इस गाल पे भी मार दीजिए जी, वरना बेचारे को शिकायत रहेगी कि इसको मिला और इसे नहीं मिला। मुझे माफ कर दो, दरअसल मैं बांसुरी की धुन सुनते ही सुनते। अरे ये बांसुरी तुम बजा रहे थे? थप्पड़ तो नहीं मारोगे ना? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ मैं बजा रहा था। आपको बांसुरी अच्छी लगती है क्या? आपकी बांसुरी में इतनी कशिश थी जैसे चांदनी रात में धीरे धीरे नदी बहती हो, और जैसे नदी की धारा बहते बहते राधा राधा पुकारती हो। इसीलिए तो मैं देखना चाहती थी कि कौन है वो जो मुझे जानता नहीं फिर भी मुझे आवाज दे रहा है। तारीफ मेरी मत कीजिए, तारीफ तो कीजिए इन वादियों की, इन फूलों की, इन पेड़ों की, इन हवाओं की, जिनके मधुर संगीत से मिलकर मेरी बांसुरी की आवाज आपको यहां तक खींच ले। बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं आप। ये बातें नहीं, मैं सच कह रहा हूं। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए, कुछ सुनाई दिया? हाँ। क्या तुम्हारी बांसुरी की आवाज? अरे मैया देर हो गई, क्या करे। माँ आ गए। ओ माँ, परेशान थी मैं तेरे लिए। अरे रे, ये क्या कर रहे, छोड़। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। अरे जी चाहता है जर्रे जर्रे को गले लाकर ना दूँ माँ। छोड़ मुझे, कहा था इतनी देर तक तू, आज तक तो तुझे घर लौटने में कभी इतनी देरी नहीं हुई। ओ माँ समझ ले, कहीं खो गया। खो गया था? माँ मुन्ना कहाँ है? तुझे ढूंढने गया है। माँ माँ, श्याम भैया कहीं नहीं मिले। माँ कहीं नहीं मिले, हम बहुत ढूंढ रहे। पर श्याम भैया आप ये अरे लगाता है, अरे छोड़ो, अरे माँ कौन है तो छोड़ दे। हाँ तोता राम, अब तेरी बारी है, आजा 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 आजा। श्याम भैया तोता राम तुम भी मिल लो। अब वहां क्यों बैठा है, जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले, मुन्ना भी तेरे लिए भूखा है। मुझे भूख नहीं है माँ। मुन्ना तू खा ले। आज ये सब कहाँ हो रहा है? एक तो पहली बार घर में इतनी देर से आए हो और अब कहते हो भूख नहीं है। लगता है बाहर से कुछ खा के आए हैं श्याम भैया। खा कर तो आया हूं। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए, कुछ सुनाई दिया? हाँ। क्या तुम्हारी बांसुरी की आवाज? अरे मैया दूध निकालने दे ना रे मैया। ओ देवी माँ रुक जा, देख देवी माँ हमें ना तोहार सिंह सोने से मढ़वा देंगे, तोहार माथे के लिए चांदी के झालर बनवा देंगे, लेकिन दूध निकालने तो देना मैया। ए मैया हाँ आराम से जरा। अरे अरे कहाँ जा रही है? अरे मैया, अरे ये रोज का नाटक है, जब तक वो शाम की बांसुरी नहीं सुनेगी दूध नहीं देगी। ओ श्याम भैया, श्याम भैया लो सो रही है। ओ श्याम भैया उठो, जल्दी उठो श्याम भैया। क्या यार इतनी मीठी नींद से उठा दिया, ये सब कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये सब? अरे तुम इतनी देर तक यहाँ खराटे भर रहे हो और वहाँ गैया मैया दूध नहीं निकालने दे रही है,
देखो भैया, टेम्पो का सारा दूध तो शहर जाएगा, लेकिन आज ठाकुर साहब के यहाँ शहर से मेहमान आए हैं, दूध वहां भी पहुंचाना है, देर हो गई तो नाराज हो जाएंगे। तो तनिक कष्ट दीजिए अपने हाथों को, ये बांसुरी उठाइए, अपने होठों से लगाइए ताकि कैया मैया के कानों में सुर पहुंचे और हमारे बाल्टी में दूध। बस तू चल, मैं आया। गैया मैया आ रहे हैं श्याम भैया, तो हार लिए बांसुरी बजाने।
तड़प तड़प दिन बीते अरे जागी जागी भैरव कोई चोट तो नहीं है? जी नहीं, मैं ठीक हूँ। ये हमारी गौरी है ना, गांव में नए लोगों को देखती रही कि भड़क जाती है। लगता है मैं ही आपकी बांसुरी की दीवानी नहीं, जानवर भी है। आपकी बांसुरी में कमाल का जादू है। जादू तो आपकी आवाज में है जी। आपका गाना सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी बांसुरी को एक नया सुर मिल गया हो, एक नई जिंदगी मिल गई हो। जिंदगी तो आपने मुझे दी है, दूसरी बार जान बचाई है आपने मेरी। अजी ये तो भगवान जी ने हम दोनों को दोबारा मिलने का बहाना बनाया था जी। वैसे मैं आपका नाम तो जान गया था राधा, लेकिन आप आई कहां से हैं और ठहरी कहां हैं ये तो मैं पूछना ही भूल गया था। मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। तो लीजिए जी, नाम पता ठिकाना सभी बता देते हैं। पहाड़ी के नीचे छोटा सा घर है, ग्वाला हूँ, नाम है श्याम। श्याम जरा पुराने डर्रे का है, मगर जो है तो है। वैसे
आपका नाम भी तो राधा है। राधा श्याम, जानती हैं सारी रात आपी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता। मैं सोच में पड़ गया कि अगर आप नहीं मिली तो। अरे आपने तो अभी तक नहीं बताया कि आप ठहरी कहाँ हैं? ठाकुर अजीत सिंह के बंगले में। ठाकुर अजीत सिंह के बंगले में? क्यों, क्या हुआ? मेरी माँ कहती है कि उस घर की तरफ से आने वाली हवा में सांस लेना तो गुनाह है। अमीरों के दिल पत्थरों के होते हैं ना। और आप? मैं नौकरी करती हैं? जी हाँ। वाह, आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं, जो उस चल्लाद के नौकरी करती हैं। पेट के लिए करना पड़ता है, मैं समझ सकता हूँ, मजबूरी है। अरे मैं तो भूल गया, मुझे तो शहर जाना है, मुन्ना के साथ दूध का हिसाब करना है। फिर मिलेंगे। आप कल हमारे बंगले पे दूध देने आएंगे? दूध और उस बंगले पर, ये नहीं हो सकता। मगर आप वहां हैं तो आए बिना रह नहीं सकते। तो कल सुबह आपका इंतजार करूंगी मैं। अरे राधा, अरे हुआ क्या, बताओ तो सही। जब राधा और श्याम मिलते हैं तो क्या होता है? ओ, तो उसका नाम श्याम है? हाँ। मर गया। क्या मतलब? देख राधा, वो श्याम तो भगवान थे और ये श्याम एक गांव का मामूली सा लड़का, और तू वो राधा नहीं है, तू है ठाकुर अजीत सिंह की बेटी। उनके प्यार के तो मंदिर बन गए थे, और तेरे प्यार का क्या अंजाम होगा ये सोचकर भी मुझे बहुत डर लग रहा है राधा। दिल सोचता नहीं, सिर्फ करता है बिंदिया। पता नहीं कब सुबह होगी। ये मुर्गे भी बड़े आलसी हो गए, दिन चढ़े तक सोते रहते हैं। शुक्रिया मुर्गा मिया, शुक्रिया। ये सब का हो रहा है शाम भैया, का हो रहा है? कल देर से उठे और आज अभी मुर्गा बोला ही नहीं और बर्तन उठाकर चलिए। तू बहरा है, मुर्गे ने कब की बांग दे दी? इतनी रात को मुर्गा बोला? मैं बोला। ओ तोता राम, आज सूरज निकलने में इतनी देरी क्यों हो रही है? अरे राधा, आज तुम इतनी जल्दी उठकर क्या कर रही हो? आज दूध मैं लूंगी। हाँ, दूध और तुम लोगी? हाँ। तो सो जा भी। जानती है, सुबह का इंतजार करते करते मैं सारी रात सोई नहीं। अच्छा, अब समझी, आज कहीं दूध लेकर वो आने वाला है क्या? ओ बिंदिया, इसे कहते हैं प्रेम रोग। चल हट। वो आ गया। तू उठा नहीं है? मैं कह देती हूँ, सो जा। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं उठूंगी, चाय भी तुम ही बना के लाना। मालकिन जो ठहरी। नमस्ते जी। तुमने आने में इतनी देर क्यों की? मैंने आने में देर नहीं की जी, वो तो सूरज ने ही निकलने में देर कर दी। मैं तो सारी रात सवेरे का इंतजार कर रहा था। सच? जी हाँ। मेरा भी तो यही हाल था, मैं सारी रात कहाँ सो पाई। दूध लेंगी ना? हाँ। तो
मालकिन जी, नमस्ते जी। ये सब क्या हो रहा है? दोनों के बर्तन खाली और दूध की गंगा बह रही है। जी वो इनका कोई कसूर नहीं है जी, गलती सारी मेरी है। मगर अब हम चाय कहाँ से पियेंगे? मैं लाए जी चाय, नहीं दूध। देखिए आप इन्हें डांटिएगा मत। ठीक है जल्दी जाओ और दूध लेके आओ। जी बस गया और आया। राधा ये दूध जाया नहीं गया, तुम दोनों की प्रेम कहानी कितनी गहरी है आज इस दूध ने बता दिया। सारा दूध बिल्ली पी गई? हाँ पी गई। अरे ये सब कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है भगवान? अरे इतना सारा दूध बिल्ली कैसे पी सका था? मोटी बिल्ली थी ना, बहुत मोटी। हाँ और भूखी भी। कहीं तुमने रहम खाकर उसे सारा दूध तो नहीं पिला दिया? अब जाता भी है पुलिस की तरह पूछताछ करता रहेगा, मुझे जल्दी से दूध ले जाना है, वो लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक है दूध लेकर इस बार हम जाएंगे। भैया जरा हम भी तो देखें कि वो कौन सी बिल्ली है, कैसी बिल्ली है जिसने हमारा दूध पीने की जरूरत की। नहीं, नहीं, दूध मैं ले जाऊंगा। दूध निकालते निकालते हमारी उंगलियां दर्द करती है, तुम्हारा क्या है? तुम तो आराम से बांसुरी बजाते रहते हो, न जाने किन किन गोपियों को रिझाते रहते हो। हमारी मेहनत बिल्ली पी जाए ये हमें गवारा नहीं, दूध तो हम ही ले जाएंगे। देखता हूं तू कैसे ले जाएगा। मैं ले जाऊंगा। तू नहीं जाएगा। क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता माँ? तुझको मैंने पहले ही कह दिया है कि तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर गंगा की तबीयत भी खराब हो गई है, उसके दिन पूरे हो गए हैं, पहला बच्चा है, तकलीफ भी ज्यादा हो सकती है, तुझे उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाना है। लेकिन वो तो लौटकर भी ले जा सकता हूँ ना। मैंने तुझे कह दिया ना कि तू नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा। चुप। बड़ा आया मैं जाऊंगा। मुन्ना जाएगा। आज हमें बिल्ली देख आने दो श्याम भैया, तुम कल चले जाना। अरे राधा जी आप यहाँ? मैं तुम्हारे कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम फिर दूध देने क्यों नहीं आए कल? वो क्या है ना जी, कल माँ ने बहुत जरूरी काम से बाहर भेज दिया था मुझे। अरे तुम्हारी आंखें तो लाल हैं। वो तो कल रात में सोया नहीं ना। जो हाल मेरा वही हाल इसका भी। दूध? हाँ। दूध की तरफ ध्यान देना, कहीं जमीन पे नहीं गिराना। बर्तन भर गया है। अच्छा मैं चलता हूँ। आज इतनी जल्दी है क्या? आज मुझे घर जल्दी से पहुँचना है, मेरी गंगा को बच्चा होने वाला है ना। बच्चा होने वाला है? हाँ कल रात उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए तो मैं रात में सोया नहीं। क्या पहला बच्चा होता है ना तो बड़ी परेशानी होती है जी। तो क्या ये शादीशुदा है? अच्छा मैं चलता हूँ। अरे अरे जरा संभल के जाइएगा, थोड़ा सा भी दूध गिरा ना तो मालकिन की डांट पड़ेगी। क्या हुआ श्याम जी, दूध देकर जल्दी चले गए क्या? नाम मत लो उसकी बात का। राधा जी। अरे आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, कहाँ कहाँ तो नहीं ढूंढा मैंने आपको। आप क्या लेने आए हो यहाँ? जी आपको ये मिठाई का डब्बा देने आया हूँ। जानती है गंगा माँ बन गई है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ पाप बनने की खुशी तो होती होगी ना, अब गंगा का बच्चा मेरा ही बच्चा तो हुआ ना। लीजिए मिठाई खाइए। जब गंगा से प्यार करते थे तो मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? गंगा ही नहीं जी, मैं तो यशोदा, तुलसी, जानकी, जमुना सभी से प्यार करता हूँ, और जानती है आप वो सब भी मेरी बांसुरी की उतनी दीवानी है जितनी आप। अब ये बांसुरी मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी, ना ही तुम इसे बजा सको और न किसी को धोखा दे सको। अरे ये क्या कर रही हैं आप, अगर मैंने बांसुरी नहीं बजाई तो यशोदा, तुलसी, जानकी कोई दूध नहीं देगी। दूध? किसकी बात कर रहे हो तुम? अपनी गायों की, आप क्या समझी? मैं समझी। Thank you.
Thank you.
तेरे नाम। तेरे लिए ही दुनिया में आया, दुनिया से क्या है काम। तरफ से आती हुई हवा में सांस लेना भी खतरनाक है। लेकिन माँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। माँ, प्यार? तूने अभी देखा ही क्या है? तू समझता है फूलों की डाली है प्यार? मैंने देखा है तलवार की धार है प्यार, मौत है प्यार, लहूलुहान हो जाएगा, मिट जाएगा, भूल जाओ उसे। लेकिन वो तो मेरी जिंदगी है माँ। पागल है तू। हवेलियों की सीढ़ियां जब भी झोपड़ों में उतरती हैं, तो उन्हें बर्बाद कर देती हैं। हवेलियों ने कभी किसी को ठोकर के सिवा कुछ नहीं दिया। माँ, वो हवेली में जरूर रहती है, मगर हवेली वाली नहीं है। तो फिर कौन है? हमारे जैसी है माँ, गरीब नौकरानी, नौकरी करके पेट पालती है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है माँ, कोई नहीं। कोई नहीं है? हाँ माँ, वो मेरी हंसी है, मेरी खुशी है, मेरा सब कुछ है। अगर वो तेरी सब कुछ है तो इस तरह चोरी चोरी क्यों मिलता है उससे? उसे यहाँ ला, मैं भी तो देखूं कि जिसको मैंने जन्म दिया है उसकी जिंदगी कौन है। माँ, ओ माँ। क्यों गए? बजाओ ना। मैं बजाता कब था? मैं तो तुम्हें पुकारता था। तुम आ गई, अब बजाने की जरूरत नहीं। अच्छा, तुम जब भी बांसुरी बजाते हो तो ऐसा लगता है जैसे हवा के पन्नों पर तुम्हारी बांसुरी की सुर मुझे प्रेम पत्र लिख रहे हो, और प्रेम पत्र का एक एक लफ्ज मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो, बुला रहा हो, जैसे जैसे कह रहा हो जाओ, जाके मिलो अपने श्याम से। राधा! पापा! गंदी नाली के कीड़े, हमारी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने वाला जिंदा नहीं रह सकता। श्याम मेरा इंतजार करके चला गया। बिबिया, क्या हुआ राधा? तू अभी सोकर उठी है क्या? आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपना? हाँ, ऊपर से मैं देरी तक सोती रह गई और वो आगे भी चला गया। ओ, तू फिक्र क्यों करती है मेरी गुड़िया? दिन भर उसकी जुदाई में तड़पेगी, तभी तो श्याम जी से शाम को मिलने का मजा आएगा ना। अरे बिंदिया! चुप कर, ये बिंदिया नहीं राधा बेबी है। हाँ, राधा बेबी, उस दिन आपने हमें बेवकूफ बना दिया, अब नहीं बना सकती। चुप कर, पहले अपने मुंह पे ताला।
मुंह पर तो ताला लग जाएगा राधा बेबी, लेकिन आंखें तो खुली रहेंगी, क्यों जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं जाऊंगी बाहर और अकेली जाऊंगी। बेबी आप अकेली बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि आप आगे आगे और हम पीछे पीछे, क्यों जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? ठीक है, फिर मैं अपने बेडरूम में ही जाती हूँ। हाँ बेबी, अपने बेडरूम के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने वहाँ पहले ही ताला लगा दिया है। मुझे मालूम है जी। अच्छा है? अरे एक बार फंस गए बार बार नहीं फंसेंगे। हाँ, क्योंकि हमें और बेवकूफ बनाने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, क्यों जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बचाओ! अरे बिल्लू, क्या हुआ? अरे संभाल के, संभाल के, इधर बैठो, इधर बैठो, संभाल के। क्या हुआ? क्या हुआ? वॉच कहाँ पर? यहाँ है क्या? नहीं, यहाँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे नस पकड़नी आती, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अरे तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जाके डॉक्टर को बुला ले, जा। एक मिनट, दर्द कहाँ हो रहा है? यहाँ। अरे यहाँ, तू अभी तक यही खड़ा है? अरे जा जल्दी से डॉक्टर को लेके, जा जल्दी जा। एक मिनट, यहाँ थोड़ा ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा ऊपर, वहीं रुक जा। अरे तू अभी तक यही है, डॉक्टर साहब को बुलाने नहीं गया? मैंने सोचा उतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, इसलिए डॉक्टर साहब को यहीं से फोन कर दिया। उसका पैर छोड़, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अरे तू बाहर जाके डॉक्टर साहब को रिसीव कर। तेरी बारी है, तू जाके रिसीव कर। तू जाके रिसीव कर, जाके रिसीव कर। मैं तो तू जा, तेरी बारी है। बारी की क्या बात है, तू जा, तू जा। अरे तू जा, तू जा कह रहा हूँ ना, तेरी बारी है, तू जा, तू जा। अबे चुप, अब किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये तो बिल्कुल ठीक हो गई, देखा मैंने कहा था ना मैं नस पकड़ सकता हूँ, इसीलिए मैंने बिंदिया की नस पकड़ी और वो बिल्कुल ठीक हो गई। चुप कर, हमें यहाँ बिंदिया की नस के लिए नहीं, राधा बेबी की देखभाल के लिए भेजा है। चलो नाराज हो? लेकिन तुम मेरी मजबूरी क्या जानो? मजबूर तो हम भी थे, माँ ने तो उस बंगले की तरफ जाने से ही मना किया था, लेकिन हम दीवानों की तरह आपको एक नजर देखने के लिए हर रोज सुबह दूध लेकर आते रहे, और आज आज जब मैंने माँ से वादा किया आपको मिलाने का, तो आप ओहो, अब माफ भी कर दो ना। छोड़िए छोड़िए, अगर आपको मेरी परवाह नहीं ना, तो मुझे भी आपकी कोई परवाह नहीं। अच्छा, बिल्कुल। जल्दी भागो, मधुमक्खियां काट लेंगी, भागो। चलो इस कंबल में छुप जाए। ये क्या किया तुमने? अगर मधुमक्खियां तुम्हें डक मारती तो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं। अच्छा? बचेंगे कब तक दोनों छुप कर कंबल के अंदर? कंबल ना हटा मुझे लगता है डर। बचेंगे कब तक दोनों छुप कर कंबल के अंदर? We'll be right back.
तक दोनों छुप कर कंबल के अंदर। डंक का ये जहर लाएगा क्या असर, ये हमें क्या खबर। ना ना बाबा छोड़ शरारत, कोई जतन तो कर, कुछ ना आज हो जाए, कुछ ना आज हो जाए। कंबल ना हटाओ मुझे लगता है डर। बचेंगे कब तक दोनों छुप कर कंबल के अंदर। तुझको वापस बुलवाऊं, छोड़ तुझे इस पार जो मैं उस पार चली जाऊं। लव लेटर लिखकर मैं तुझको वापस बुलवाऊं, लव लेटर पाकर भी जो मैं लौट के ना आऊं। आग का दरिया डूब के मैं उस पार चलाऊं। ना बाबा ना ना ऐसी बातें तू ना कर। तेरी बाहों में आकर मुझको अब किसका है डर। बोलो मेरी बेटी कहाँ है? पता नहीं ठाकुर साहब। तुम दोनों को मैंने उसके साथ भेजा क्यों था? जवाब दो। और तुम यही देखभाल करती हो तुम उसकी? जी वो मैं, जी क्या मैं कर रही हूँ? बोलो कहाँ रहा था? अगर मेरी बिटिया सही सलामत वापस नहीं आई तो तुम मेरे से कोई नहीं बचोगे। अब खड़ी क्यों हो? जाओ ढूंढो उसे। तुम उस जंगली भिलनी की मूर्ति जैसी लग रही हो। भिलनी? ये भिलनी नहीं, पार्वती जी। तुम्हें कैसे मालूम? अरे बाबा, साथ में शंकर जी जो हैं। ओ। तुम्हें मालूम है पार्वती जी ने भिलनी का रूप क्यों धारण किया? हाँ, दोनों बारिश में हमारी तरफ भीगे होंगे और इसी गुफा में आकर छिपे होंगे। अरे नहीं, उन्होंने तो प्रेम के कारण किया था। प्रेम के कारण? शंकर थे फक्कड़ और पार्वती, पार्वती पर्वतराज की बेटी, उनके पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और उन्होंने शिवजी का बहुत अपमान किया। पार्वती को लगा कि अगर वो अपने असली रूप में गई तो शिवजी उन्हें भस्म कर देंगे, इसलिए उन्होंने अपना भेष बदलकर भिलनी का रूप धारण किया। जिससे प्यार किया उसी से झूठ बोला, ये तो धोखा हुआ। बहादुर सिंह,
तुम अंदर जाओ। नहीं, पहले तुम अंदर जाओ। मैं कहता हूँ तुम अंदर जाओ। मैं कहता हूँ तुम अंदर जाओ। जल्दी जाग बुझा दो। क्यों? ठीक है, दोनों चलते हैं। ठीक है, खबरदार। अरे क्योंकि यहाँ पर भूत पिशाच रहते हैं। तू मुझे डरा रहा है? नहीं नहीं, मैं डरा नहीं रहा था, मैं तो अरे मशाल चोर, जल्दी मशाल लेकर अंदर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर, जल्दी आओ। तुम लोग मेरे साथ आओ। हाँ मैं इधर अकेला क्यों जाऊँ? क्योंकि तेरा नाम शेर सिंह है इसलिए, और तुम्हारा नाम भी तो बहादुर सिंह है। ठीक है, तुम लोग उस तरफ जाओ। ये लो, और हम लोग इस तरफ देखते हैं। अरे शेर सिंह, वो देख, महादेव की मूर्ति। हाँ, इसीलिए यहाँ पर नागनाथ और सांतनाथ दोनों होंगे। नाग देवता, मैंने एक बार आपके रिश्तेदार को दूध पिलाया था, इसलिए मुझे बता था। लेकिन उसमें भी इसने पानी मिला दिया था, भूलना मत, इतना याद रखना। क्यों बोलता है? ये बेचारे जोड़ा निकल ले, निकल ले, चलो चलो, अरे रुको रुको रुको। थैंक यू भगवान। ये क्या तमाशा है? तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ हो? अगर वो आज तुम्हें मेरे साथ देख लेते ना, तो मैं तुमसे कल्ला मिल पाती, समझे? इसीलिए मुझे अमीरों से नफरत है। समझते हैं, काम करने वाले को खरीद ही लिया। आज तुम्हें घर ले जाना था मां से मिलाने के लिए, और ये मुसीबत आ गई। अब ले जाऊंगा तो देरी हो जाएगी और तुम्हें वहां डांट पड़ेगी। ऐसा करो, तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें घर छोड़ा था। शाम को किसी तरह से यहाँ से भेजना होगा, वरना उसे असलियत का पता चल जाएगा। शाम, अब तुम जाओ। हाँ क्यों, किसी का डर है क्या? डर की बात नहीं, किसी ने देख लिया तो क्या समझेंगे? यही ना कि घर की नौकरानी किसी लड़के से मिलने गई थी। क्या किसी नौकरानी को प्यार करने का हक नहीं? शाम, नौकरी करने का ये मतलब नहीं कि हाथ के साथ साथ दिल पर भी हुकूमत हो उनकी। सरकार सरकार, बेबी आ गई, अब तुम चल जाओ। हाँ ठीक है। लेकिन राधा। पापा, पापा। थोड़ी और देर करती तो यहाँ लोगों की लाशें बिछ जाती। कहाँ गई थी? पापा मैं बाहर की खुली हवा में घूमने गई थी। वो भी अकेली, खानदानी उसूलों को भूल गई। और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? किस तरह के कपड़े हैं ये? आजादी का मतलब मनमानी नहीं होता बेटी। ये कौन है? पापा, पापा ये ना होते तो मैं घर ना पहुंच पाती। कंबल देके बचाया है इन्होंने मुझे। कंबल? हाँ, वो मधुमक्खियां पीछे पड़ गई थी ना पापा मेरे। मधुमक्खी? हाँ। तुम्हें काटा तो नहीं बेटे? मधुमक्खियां उतनी जहरीली नहीं होती ठाकुर साहब, जितने कि इंसान होते हैं। शहद दिखाकर किसी को करीब लाते हैं और फिर डंक मारते हैं। बहुत खूब, इतनी कम उम्र में बहुत तजुर्बा पा लिया तुमने, मगर हमारी बेटी ने बाहर की दुनिया देखी नहीं है। फूलों के सेज पर रखा है हमने इसे, कांटों पे पांव रखने से कांटे चुभते हैं ये इसे पता नहीं। मगर जो कुछ भी तुमने आज किया है, इनाम के हकदार हो तुम। ये लो। नहीं ठाकुर साहब, हमारे यहां के पत्थर भी इतने मेहमान नवाज हैं कि आपकी ठोकर खा लेंगे, फिर भी अपना पानी देकर आपकी प्यास जरूर बुझाएंगे।
मगर वही प्यास बुझाने वाला पत्थर अगर रास्ते की रुकावट बन जाए तो उसे ठोकर मारकर हटाना पड़ता है। खैर, मैं तुम्हारे एहसानों के बोझ के तले दबना नहीं चाहता। रख लो ये रुपए। मैंने कोई एहसान नहीं किया ठाकुर साहब, मैंने तो सिर्फ इंसानियत जताई थी और इंसानियत की मैं कोई कीमत नहीं लेता। हाँ, इन रुपयों से इनके लिए एक कंबल जरूर खरीद दीजिएगा ताकि फिर कभी मधुमक्खियां सताए तो काम आएगा। तुझे हाँ? तू बोलता क्यों नहीं? बोल ना, सुबह सुबह तो कितना खुश गया था कि राधा को लेकर आऊंगा, मुझसे मिलवाऊंगा, और फिर ये क्या हो गया अचानक? राधा ठीक तो है? उसका नाम मत लो मां। क्यों, क्या हुआ? आज तक मेरी मोहब्बत का नाम था राधा, आज से मेरी नफरत का नाम है राधा। तो फिर मैं क्या करूं बिंदिया, मैं क्या करूं? मैं जानती हूं उस पर क्या बीत रही होगी, उसका एक एक आंसू मेरी आंखों में जल रहा है बिंदिया, जल रहा है। कल तक रुक जा राधा, सिर्फ कल तक। कल ठाकुर साहब बाहर जाने वाले हैं, उनके जाते ही तू अपने श्याम से मिलने चली जाना और उनके लौटने तक वापिस आ जाना। कल तो बहुत दूर है बिंदिया, मेरे लिए तो एक एक पल एक एक युग की तरह बीत रहा है, न जाने कल तक कितने युग बीत जाएंगे। और मेरा श्याम मुझसे इतना दूर चला जाएगा कि शायद मैं उसे पा न सकूं। नहीं राधा नहीं, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हारा श्याम तुमसे कभी दूर नहीं जा सकता। हाँ राधा, जरा जल्दी आना, जब तक तू नहीं आएगी मेरी सांसें अटकी रहेंगी, और अगर ठाकुर साहब को पता चल गया तो वो मेरी खाल खिंचवा लेंगे। तू चिंता मत कर बिंदिया, मैं बस गई और आई। हाँ? अच्छा कौन है तुम? रीमा हंडी फोड़। आदमी तो हूं मैं हलकट, मगर काम का हूं। किशन भगवान तो मटकी फोड़ते थे, मगर मैं खोपड़ियां फोड़ता हूं पया ना टिके, समझी? आई तो तेरी भी फोड़ दूंगा बगैर पया ना लिए। बहुत दिनों से मैंने हिरनी का कोष नहीं खाया। छोड़ दे इन्हें, दूसरों का शिकार छीनना ठीक नहीं है ठाकुर, चला जा यहां से। मैंने अब तक सिर्फ खूंखार जानवरों का शिकार किया है, लेकिन मेरे महल की दीवार पर लगे हुए जानवरों के सरों के बीच भी तेरे गंदे सर के लिए जगह नहीं। ओ ठाकुर, तू जानता नहीं है तो किससे दुश्मनी ले रहा है? भीमा नाम है मेरा। नहीं शेर सिंह, ये हमारा शिकार है। लगा दो हथकड़ी। शुक्रिया ठाकुर अंबर सिंह, आपने हमारा काम आसान कर दिया, वरना ये हमारे हाथ ना आता। इस पर कई लोगों के कत्ल का इल्जाम है। कई नहीं, 12 कत्ल किए मैंने बयान आने के, और 13वां कत्ल तेरा होगा ठाकुर, तेरी देवी पर मैं आऊंगा। ले चलो इसे। मैं तुझे छोड़वा नहीं ठाकुर, तुझे छोड़वा नहीं, मुझसे दुश्मनी लेके तूने बहुत बड़ा किया ठाकुर। आ,
आज अगर आप वक्त पे ना आते तो न जाने क्या हो जाता। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। आप इतनी रात गए कहाँ जा रही थी? वो मेरी सहेली की तबीयत खराब थी, उसी से मिलने जा रही थी मैं। ओह, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। सुनिए, वहां तक गाड़ी नहीं जाती। वैसे भी आपने जो कुछ किया है उसी का एहसान नहीं चुका पाऊंगी मैं। अच्छा, ठाकुर साहब, आज तक आपको किसी लड़की की तरफ देखते नहीं देखा। और आज के बाद हमें किसी लड़की की तरफ देखते हैं, देखोगे भी नहीं। ऐसी भी क्या बात हो गई हुजूर? उसके चेहरे की चमक देखी शेर सिंह, जैसे तराशा हुआ हीरा हो। आज मेरी आंखों ने हीरा चाट लिया शेर सिंह। अब उस चेहरे के अलावा हर चेहरे के लिए मेरी आंखें अंधी हो चुकी है। हुजूर का दिल अगर उस लड़की पे इतना ही आ गया है तो कहिए तो उठा लाए। छीनना ठाकुर अंबर सिंह की फितरत नहीं, जितना उसकी आदत है। श्याम, गरीबों के दरवाजों की किस्मत में ऐसे अमीर मेहमान नहीं होते। मुन्ना, जरा पूछो तो इन्हें क्या चाहिए। श्याम, फरमाइए, और कोई झूठ बाकी रह गया हो ना तो उसे भी उगल दीजिए, और कोई नश्तर बाकी रह गया हो तो उसे भी निकाल दीजिए। मेरे सीने में अब भी कुछ जगह बाकी है। ऐसा मत कहो श्याम, ऐसा मत कहो, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरी इन आंखों में देखो, क्या वहां तुम्हें झूठ और फरेब नजर आते हैं? मेरे इन आंसुओं में देखो श्याम। मत लो मेरा नाम, वरना तुम्हारी जुबान पर चढ़कर इतना मैला हो जाएगा कि मेरे इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा। श्याम मर गया। श्याम, तो तुम ही राधा हो। अब तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम इसे बख्श दो और इसकी जिंदगी से चली जाओ, क्योंकि इसके पास तुम्हें देने के लिए नफरत के सिवा और कुछ नहीं है। मेरे टुकड़े कर दीजिए, मगर ऐसा मत कहिए माँ जी। मत कहो मुझे माँ, मेरे बेटे को बर्बाद करके मुझे माँ कहने का तुझे कोई हक नहीं है। निकल जाए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। आखिर मेरा ही बेटा मिला तुझे खेलने के लिए, क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? क्यों धोखा दिया तूने उसको? क्योंकि मैं श्याम से प्यार करती हूँ माँ जी। मैंने श्याम की आंखों में अमीरों के लिए इतनी नफरत देखी थी कि मैं अपने प्यार के लिए डर गई। मैं श्याम को नहीं खोना चाहती थी माँ जी, किसी भी कीमत पर नहीं। श्याम को पाने के लिए मैंने झूठ बोला। भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती ने भी तो झूठ बोलकर बिल्ली का रूप धारण किया था। मुझे क्या पता था जिसको पाने के लिए झूठ बोला वही झूठ उसे मुझसे जीत लेगा। श्याम भैया, श्याम भैया, श्याम भैया, राधा का प्यार सच्चा है श्याम भैया। माँ जी, माँ जी, राधा को अपना लो माँ जी, राधा को अपना लो। इसकी आंखों में प्यार तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन लेकिन ये ठाकुर अजीत सिंह की बेटी है, ये कैसे भूल जाओ? ठाकुर अजीत सिंह की बेटी हूँ, क्या ये मेरा कसूर है माँ जी? कसूर नहीं है, हाँ तेरी बदनसीबी जरूर है, क्योंकि ठाकुर अजीत सिंह ये रिश्ता कभी नहीं मानेंगे। मैं उन्हें मनाऊंगी माँ जी, मैं इस घर की बहू बन के रहूंगी। ये इतना आसान नहीं है, तेरे पापा के पास बहुत ताकत है। मेरे पास प्यार की ताकत है। श्याम के प्यार ने मुझे वो ताकत दी है। जब तुमने पहाड़ से टकराने की ठान ही ली है तो मैं क्या कहूं? बस
भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करूंगी कि वो तुम दोनों के प्यार को सफल करे। राधा। थैंक यू दत्ताराम जी, आपने मुझे मेरा शव वापस दिया है। मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी, चलेंगे ना मेरे साथ? माजी से पूछा, माजी से पूछा। माँ जी इनको ले जाओ अपने साथ। क्यों नहीं, जा लेके जा। कल सवेरे ही तुम मेरे साथ वापस जा रही हो। कल? हाँ कल। लेकिन पापा यहाँ आए तो कुछ ही दिन हुए हैं, मैं कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हूँ। हमने तुम्हारी राय नहीं पूछी, तैयारी करो, सुबह जल्द निकलना है। राम राम काका। राम राम भैया, कहाँ जा रहे हो? दूध देने जा रहा हूँ जी। अब तो कोई जरूरत नहीं दूध की। क्यों? वो सब तो शहर चले गए। जागी जागी रहना सजरी।
कहाँ है तू? राधा से मिलने। तू कब तक उसके गम में खुलता रहेगा बेटा? अपनी सूरत देखिए आईने में। मेरा आईना तो राधा की आंखें थी माँ। हो सकता है कि उन आईनों में और कोई अपनी सूरत देख रहा हो, या फिर वो आंखें किसी हवेली की खिड़की से किसी और के लौटने की राह देख रही हो। नहीं माँ नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं हो सकता। उसने तो तुमने भी राधा की आंखों को देखा था ना। एक बेटे की आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन एक माँ की आंखें धोखा नहीं खा सकती। सच सच बताओ माँ, उस दिन तुमने राधा की आंखों में क्या देखा था? सच सच बोलो माँ, तुम्हें मेरी कसम। मुझे जाने दो माँ। नहीं बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। तू अजीत सिंह को नहीं जानता, वो कुछ भी करवा सकता है। वो तुझे ठाकुर अजीत सिंह मुझे राधा के साथ जीने नहीं देंगे, और राधा के बिना मैं जीना नहीं चाहता। मेरी तो दोनों तरफ मौत है माँ। तूने ठीक ही कहा था माँ, प्यार मौत है, प्यार तलवार की धार है, लेकिन राधा मेरे सामने है, और राधा सामने हो तो तलवार की धार भी फूलों की डाली है। अब तो मैं राधा को लेकर आऊंगा माँ, राधा को लेकर आऊंगा। श्याम भैया। मुन्ना, माँ का ख्याल रखना। राधा, क्यों इतनी बेचैन सी घूम रही हो? श्याम की कोई खबर नहीं आई बिंदिया। मेरा दिल घबरा रहा है। पगली, ये तूने क्या रोग लगा लिया है? मुझ पर तो पहरे हैं, अगर वो तो खत लिख सकता था। मेरा श्याम आ गया, मेरा श्याम। श्याम, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसका डर? अपने पापा का। वो हमें कभी एक नहीं होने देगी श्याम। तुम मुझे इतनी दूर ले चलो जहां उनका साया तक ना पहुंच पाए। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए थे। छोड़ दो मेरी बेटी का हाथ। नहीं ठाकुर साहब, ये हाथ अब कोई नहीं छुड़ा सकता। अगर मेरे श्याम को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। अगर आपने राधा पर हाथ उठाया तो मुझसे गुस्ताखी हो जाएगी। हरामजादे, मेरी बेटी का हाथ पकड़ता है और मुझे धमकी देता है। अभी तक तो सिर्फ हाथ ही पकड़ा था। लीजिए, सिंदूर भी भर दिया। मारो इसे, इसके जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी ना रहे। मेरे खून क्या करता, मैं आपको राधा ही दिखाई देगी ठाकुर साहब। राधा ही दिखाई देगी। इस कमरे को मैं तुम्हारी कब्र बना दूंगा अगर तुमने यहां से निकलने की जरूरत की। उस हरामजादे श्याम को तो मैं जिंदा करवा दूंगा। नहीं पापा, श्याम को कुछ नहीं करना, मेरे श्याम को कुछ नहीं करना।
अभी जिंदा है। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, मुझे राधा से मिलना है। जान की सलामती चाहता है तो चला जा, ठाकुर साहब का हुक्म है तुझे गोलियों से भून दिया जाए। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। अरे चला जा वरना जा। अरे जा जा। बड़ा आया राधा से मिलना है। डर गया साला। हाँ मजनू है। मैं आ गया हूँ। मेरा श्याम आ गया। कहाँ तुम राधा? राधा। श्याम। राधा। हमने तुझे सिर्फ ये सोचकर जिंदा रखा कि तू समझ जाएगा, लेकिन अब तेरा ये जुनून खुदकुशी की हद तक पहुंच चुका है। मेरी जान तो राधा है ठाकुर साहब, जब ये सलामत है तो मैं कैसे मर सकता हूँ? मेरी पत्नी है ठाकुर साहब, और मैं इसे लेने आया हूं। क्या आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? बंद करो अपनी गंदी जुबान। ये देखिए, आपके सामने ही मैंने इसकी मांग भरी थी। मत साथ, मत तमीज। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैं कहता हूं छोड़ दो इस बदलाव को इंस्पेक्टर, और याद रहे ये सलाखों के बाहर जिंदा ना आने पाए। मुझे जेल भेजकर आप हमारी मोहब्बत नहीं मिटा सकते ठाकुर साहब। मुझे गिरफ्तार करवा कर हमारी मोहब्बत नहीं मिटा सकते। आपको हमारे बीच आने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। ठाकुर साहब चाबी तो देते जाइए हुजूर। ये ला। माँ। आओ बेटा। हे माँ, कैसी हैं आप? बेटा ये ठाकुर अजीत सिंह है, ये मेरा बेटा अंबर, पाओ छू इनके। जी तेरा बेटे, शिकारी हम भी हैं, शिकारी आप भी हैं, यही तो हम ठाकुर की शान है। मैं अभी आया। अच्छा बेटे, आपका बेटा हमें बहुत पसंद आया, अब आज्ञा दीजिए। अच्छा माँ, ये यहाँ किस काम से आए थे? शादी की तारीख तय करने। ओहो माँ, मैं पहले भी कितनी बार मना कर चुका हूँ। तो क्या सारी उम्र यूं ही जंगल जंगल भटकता फिरेगा? नहीं माँ, इस बार जंगल में एक हीरा मिल गया, और मेरी आंखों ने वो हीरा चाट लिया है। कोई लड़की? उसका नाम, खानदान, पता? वो मैं नहीं जानता माँ, बस इतना जानता हूं कि जिंदगी में पहली बार कोई चीज अपनी जान से ज्यादा प्यारी लगी है। ठाकुर अजीत सिंह की बेटी भी कुछ कम नहीं है, ये देख तस्वीर। मैंने कहा ना माँ, मेरी आंखों ने हीरा चाट लिया है, अब उस चेहरे के अलावा और सभी चेहरों के लिए मेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं। कम से कम तस्वीर पर एक निगाह तो डाल लेता। नहीं माँ, अब कुछ नहीं देखना। अब मैं क्या मुंह लेकर ठाकुर अजीत सिंह के पास जाऊंगी? संधन का। क्या? उनकी बेटी की होने वाली सास का। अंबर? हाँ माँ, ये उसी हीरे का टुकड़ा है। नहीं माँ, ये हरगिज नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। मैं श्याम के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? माँ होने के नाते पापा से मेरी खुशी नहीं मांग सकती। अपनी जान देकर भी तेरी खुशियां मिल जाती तो मैं मांग लेती, लेकिन तेरे पापा इस हवेली की मान मर्यादा रखते रखते
इस हवेली के पत्थरों की तरह सख्त हो चुके हैं। इन पर टकराकर सर तो फोड़ा जा सकता है, कुछ मिल नहीं सकता। अरे अंदर कहाँ घुसी चली आ रही हो? कहा ना ठाकुर साहब तुमसे नहीं मिल सकते। क्या बात है? सरकार ये अंदर आने की बहुत जिद कर रही है, हमने इसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मानी नहीं। चल बाहर। ठीक है ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। जी हाँ, मैं कस्तूरी की बहन। यहाँ किस लिए आई हो? मैं यहाँ गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने नहीं आई हूँ, मैं अपने बेटे की जिंदगी मांगने आई हूँ ठाकुर साहब। किसकी बात कर रही हो तुम? मेरा श्याम, मेरा बेटा श्याम ठाकुर साहब, उसे जेल से रिहा करवा दीजिए। मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, आप उसे जेल से रिहा करवा लीजिए। भीख मांगती हो, उसे रिहा करवा दीजिए। मेरा बस चले तो उस हरामजादे को फांसी के तख्ते पे लटका दूं। जान लेना तो आप ठाकुरों का पैदाइशी हक है। आपने मेरी बहन कस्तूरी को भी मरवा दिया था क्योंकि वो आपके भाई श्रीकांत से बहुत प्यार करती थी। आपकी दौलत, आपकी ताकत और आपकी दहशत ने मेरे बाप का तो क्या, सारे गांव का मुंह बंद करवा दिया था। गंदी नालियों को चांद की तमन्ना करने का हक नहीं ठाकुर साहब। गंदी नालियों में भी चांद का अक्स उतना ही साफ होता है जितना कि गंगा में। प्यार दिल की गहराइयां देखता है, हवेलियों की ऊंचाइयां नहीं। इन हवेलियों की ऊंचाइयों से टकराने का अंजाम तुम पहले ही देख चुकी हो, उसके बावजूद भी तुमने अपने बेटे को आगाह नहीं किया। किया ठाकुर साहब, बहुत किया। मैंने उसे समझाया कि इन हवेलियों की तरफ से आती हुई हवा में सांस लेना भी बड़ा खतरनाक होता है। मैंने उसे यह भी समझाया कि हवेलियों की सीढ़ियां जब भी झोपड़ों में उतरती है तो झोपड़ों को बर्बाद कर देती है। मैंने उसे अपने आंचल के कोर में बांधकर सारी दुनिया से छिपा कर रखा था, मगर उसका नसीब उसे यही ले आया जिसका मुझे डर था। तुम अच्छी तरह जानती हो ठाकुर अजीत सिंह के रास्ते में जो भी आता है मिटा दिया जाता है। नहीं ठाकुर साहब। चली जाओ यहाँ से। ठाकुर साहब। बहादुर सिंह, निकाल दो इसे हवेली के बाहर। नहीं ठाकुर साहब, छोड़ दो मुझे। याद रखना ठाकुर साहब, एक दिन मेरे आंसू तुम्हारी आंखों से बहेंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। शाबाश ठाकुर अजीत सिंह, शाबाश। मैंने तो आज तक यही सोचा था कि कस्तूरी ने खुदकुशी की थी, क्योंकि आपने उसकी और मेरी शादी से इनकार कर दिया था। आज पता चला कि मेरे भाई ने मेरी खुशी के लिए उसे रास्ते से हटा दिया। एक तरफ आपकी ताकत, आपकी दौलत, आपकी दहशत, और एक तरफ बेचारी कस्तूरी, दुबली पतली नाजुक, एक फूल जैसी। उम्मीद है आपको उसकी जान लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई होगी। अपने जुबान को लगाम दो श्रीकांत, तुम होश में नहीं हो। होश तो आपने मेरे उड़ा दिए भाई साहब। मैं सोचता था कि मेरा भाई जिद्दी है, मगरूर है, झूठी शान के नशे में है, मगर मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई कातिल भी है। श्रीकांत, इस खानदान की इज्जत को तुम छपड़ों में घसीट रहे थे। हम सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ बचाने की कोशिश। और अगर आज मैं ये पुलिस के सामने जाहिर कर दूं कि कस्तूरी का कत्ल आपने करवाया था, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं देवत जी, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप मेरे सुहाग और इस घर की इज्जत को सरेआम नीलाम नहीं करेंगे। आप मेरी मां की तरह है भाभी, आप आज्ञा कर सकती है, लेकिन लेकिन इन्होंने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी। अब अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, और मैं ये नहीं होने दूंगा। इन्हें माफ कर दो, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूं, इन्हें माफ कर दो। माफी सिर्फ एक शर्त पे मिल सकती है, कि आप राधा और श्याम की शादी होने देंगे। राधा और श्याम की खुशी में
शायद मैं भी अपने गम भूल जाऊं। अगर यही तुम्हारी इच्छा है श्रीकांत, तो राधा और श्याम की शादी बड़ी धूमधाम से हम कराएंगे। सच भाई साहब? हां श्रीकांत, मगर यह शादी हम जल्द से जल्द करना चाहते हैं और उसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमें तुम्हें आज ही बड़ी खरीदारी के लिए दिल्ली जाना होगा। जैसे आपकी इच्छा भाई साहब, लेकिन लेकिन पहले मैं ये खुशखबरी राधा बेटी को सुनाना चाहता हूं। कुछ मत कहो राधा, कुछ मत कहो, पहले मुझे जीप भर के देख लेने दो। पता नहीं कितने दिनों से मेरी आंखें प्यासी थी। प्यास बुझाने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है श्याम। जिंदगी? मेरे नसीब में तो ये दो पल भी पता नहीं किसकी मेहरबानी है राधा। श्याम, अब मेरी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे नाम होगा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं यही खुशखबरी देने के लिए तो आई हूँ। पापा हम दोनों की शादी के लिए मान गए। सच? हाँ। सच राधा? सच। कहीं कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं श्याम, पापा हमारी शादी बड़ी धूमधाम से करने का बंदोबस्त कर रहे हैं। कार्ड का ये डिजाइन हमें पसंद आया, इसे छपवाइए और इसमें मेहमानों की लिस्ट है भिजवा दीजिए। ठाकुर साहब। पापा। आओ बेटी। पापा, पापा आप मुझे माफ कर दीजिए, आप तो सिर्फ ऊपर से सख्त हैं, अंदर से तो आप वही पुराने पापा हैं। हम तुम्हारे पापा हैं बेटी, हमेशा तुम्हारी भलाई की ही सोचते हैं। ये सुबह सुबह कहाँ गई थी? श्याम से मिलने, उसे ये कहने कि आपने हमारी शादी मंजूर कर ली है। जाने से पहले हमसे पूछ लिया होता तो तुम्हें पता चल जाता कि ये सब झूठ है। क्या? आपने चाचा से झूठ बोला? हाँ, श्रीकांत को दिल्ली भेजने के लिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि वो अगर यहां रहता तो कुछ ना कुछ बखेड़ा करता। उसके वापस आने से पहले तुम्हारी शादी ठाकुर अमर सिंह के साथ हो चुकी होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बेटी की जिद और शराबी भाई की इल्तिजा के आगे हम अपने आन बान मान मर्यादा को नीलाम नहीं कर सकते। तुम्हारी शादी ठाकुर अंबर सिंह के साथ ही होगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन यह शादी नहीं करूंगी। हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। आपकी पत्थर की लकीर मेरी किस्मत की लकीर नहीं बन सकती पापा। मैं भी एक ठाकुर की बेटी हूँ, मुझमें भी ठाकुरों का खून है, ये मत भूलिए आप। हाँ, मैं बदतमीज हूँ क्योंकि मैंने आपके हुक्म को चुनौती दी है, और आप तमीज वाले हैं क्योंकि आपने हर कदम पर मुझे आंसू और तमाचों की दौलत दी है। इन आंसू और तमाचों को ठाकुरों की दीवारों पर हथियारों की तरह टांग देना चाहिए, ताकि एक बाप की दरिया दिली और बहादुरी का सबूत रहे। ये सब पैक कर दीजिए। जी, ये देखिए ठाकुर साहब, हमारी दुकान का बेहतरीन कंगन है। वाह, बहुत खूबसूरत है, इसे भी पैक कर दीजिए। जी, और हाँ, वो हार जरा दिखाइए मुझे। ठाकुर साहब, ये हार तो ऑर्डर का है, आपके लिए दूसरा बनवा देते हैं। लगता है ठाकुर साहब शादी बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं। भाई, एक ही तो हमारी बेटी है, राधा बेटी, उसकी शादी तो धूमधाम से करनी ही है। क्या हुआ, अभी तक ये शादी का जोड़ा राधा को नहीं पहना है? ये जोड़ा नहीं, हमारी बेटी का कफन है। ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। राधा बेटी, दरवाजा खोलो। राधा बेटी, लो बेटी, जोड़ा पहन लो। मैं ये नहीं पहनूंगी। क्यों नहीं पहनोगी? मेरी शादी हो चुकी है पापा, अपने पति के होते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ? क्या भक्ति हो,
आपके सामने ही तो श्याम ने अपने खून से मेरी मांग भरी थी। क्या क्या श्याम का खून उस सिंदूर से सस्ता है जो अंबर सिंह की हवेली से आने वाला है? देखो बेटी, किसी का गंदा खून मांग में भर लेने से शादी नहीं होती, उसके लिए अग्नि के साथ फेरे लेने पड़ते हैं। और तुम अच्छी तरह जानती हो हमने अंबर सिंह को वचन दे दिया है, तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी। ये शादी नहीं कर सकती, नहीं ये शादी नहीं कर सकती। अगर तुम्हारा ये फैसला है तो ठीक है। जेल जाकर उस हरामजादे शाम को भून डालो और उसके घर को जलाकर राख कर दो। नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें शाम की जिंदगी चाहिए या मौत? कहता है राधा तो शाम की जान है, अगर मैं मर गई तो शाम भी मर जाएगा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं उस तक नहीं जा सकती, उसे अपना हाल नहीं बता सकती, मैं क्या करूं? Thank you.
गुजर जाऊं, प्यार जो तेरा पा ना सकूं तो प्यार में तेरे मर जाऊं, बस जो चले जुदा रहना तोता तोता सजन से कहना, तोता तोता संदेशा कहना, कहना बिन तेरे मुश्किल है अब जिंदा रहना तोता के साथ। ए मजनू की औलाद, अगर मैं तेरी तरह इसका दीवाना होता ना तो कब का यहां से फुर हो गया होता, उस लौंडिया के बाप की हांडी फोड़ के उस लौंडिया को लेके भाग जाता, तेरी तरह चिट्ठियां नहीं भेजता रहता। हाँ। और ये तेरा तोता, ये भी तेरी तरह कुछ काम का नहीं है। अबे ओ मजनू के दोस्त,
लव लेटर लाने की बजाय जेलर की जेब से चाबी ला तो हम भी तेरे मजनू के साथ फुर हो जाएं, समझा? जेल की चाबी ले आया मजनू। सांप चुकाने मुझे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ ध्वजा, ओम मंगलम कौंडिकाक्षाय मंगलाय तनोहरि स्वाहा, कन्या को बुलाइए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सवाद साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गजानन भूत गणादि राधा बैठ जाओ। शुभ मुहूर्त हो गया है, अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाएं। आजा मंजू, चल। की कोई बात नहीं, थकावट से चक्कर आ गया होगा। आप इत्मीनान से बैठिए। राधा बेटी उठो। बेचारा जिंदगी के लिए भाग रहा था और अपनी जिंदगी से खुद ही हाथ धो बैठा। पापा को माफ कर देना। माफी किस बात की माँ? आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक लाश को सजाने में। फर्क इतना ही है कि इसकी चिता बरसों बाद जलेगी। ये फूल नहीं मेरे अरमान हैं, जिनसे हमारी सुहाग से सजाई गई है। क्या आप मेरे अरमानों को आपके कदम चूमने का मौका नहीं देंगी? या इन फूलों से कोई गुस्ताखी हुई हो तो हुक्म कीजिए, हम इन फूलों को जरूर सजा देंगे। गुस्ताखी इन फूलों से नहीं हुई ठाकुर साहब, लेकिन गुस्ताखी आपसे हो सकती है अगर आपने हमें छूने की कोशिश की तो। अगर आपको छूना गुस्ताखी है तो ये राज जिसकी मुंतजर है वो एक गुनाह होगा। जी हाँ, वो एक गुनाह होगा। अब इस गुनाह की सजा भी सुना दीजिए। सजा तो मुझे मिली है ठाकुर साहब। ये आप क्या कह रही हैं? ये शादी मेरी मर्जी नहीं, मजबूरी थी। मैं आपको अपना पति नहीं मानती। नहीं, नहीं। अगर ये मजाक है तो बहुत गंदा मजाक है, और ऐसा मजाक मैं अपने ख्वाब में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मजाक नहीं है ठाकुर साहब, नहीं। मैं तन मन से किसी और को प्यार करती हूँ, किसी और को।
मगर अग्नि को साक्षी मानकर फेरे तो आपने मेरे साथ लिए थे। वो फेरे कभी पूरे नहीं हुए। ये अग्नि साक्षी है, वो फेरे कभी पूरे नहीं हुए। ये कैसा इम्तिहान ले रही है मेरा? आपके लिए तो ये सिर्फ इम्तिहान है, मगर मेरे लिए सजा है मौत। ये सुहाग की सेज नहीं, आग की सेज है, चिता है मेरी ये। बस बस कीजिए। एक पूरी उम्र ढूंढने के बाद तो आप मिली थी। आपसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैं सच में क्या ढूंढ रहा हूं। और आज जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, मेरा सब कुछ छिन गया। आप पुरुष हैं, ताकतवर हैं, अपना हक जताकर आप कुछ भी छीन सकते हैं। मगर याद रखिएगा, आपको मेरी लाश के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। छीनना अंबर सिंह की फितरत नहीं, जीतना उसकी आदत है। और हम आपके भी प्यार को जीत कर रहेंगे। आपके दिल से उसका प्यार मिटा देंगे जो हमारे बीच दीवार बन के खड़ा है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। राधा मेरी है, मेरी रहेगी। अपने आप को संभालो श्याम, क्योंकि तुम अभी बहुत कमजोर हो। ये तो अच्छा हुआ कि मौके पर मैं वहां पहुंच गई, वरना पुलिस की गोली के लगने के बाद तुम्हारी जान का बचना बहुत मुश्किल था। क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया? सिर्फ यही बताने के लिए कि राधा मेरी नहीं है। नहीं बिंदिया, जब तक श्याम जिंदा है राधा किसी और की नहीं हो सकती। अंबर बेटे, अंबर, अंबर बेटे। माँ, क्या बात है माँ? अरे तू भूल गया, तुम दोनों को पूजा के लिए मंदिर जाना है। तू जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा। बहू, तुम भी नहा धोकर तैयार हो जाओ। माँ, क्या आज ही जाना पड़ेगा? हाँ, कुल देवता का आशीर्वाद लेने सुहागरात के बाद ही जाया जाता है, यही हमारी परंपरा है। वो क्या है माँ कि आज मुझे एक बहुत जरूरी बिजनेस टूर पर जाना है। अब तेरे टूर बूर सब बंद, इतनी मुश्किल से तुझे खुटे से बांधा है। अब ये बहू ही तेरा बिजनेस है, इसे तू संभाल। लेकिन माँ, आप बहस करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत से काम है, मैं जा रही हूँ। देवी माँ, मुझे भीमा कहते हैं, हांडी फोड़। ठाकुर अंबर सिंह की हांडी तो मैं आज ही फोड़ के तेरे पास उसे जरूर भेज दूंगा। और उसकी बीवी, वो छोरी जिसकी वजह से मैं जेल गया था, उसको प्रसाद बना के मैं खुद ही खा जाऊंगा। चुप जाओ तुम लोग, उठा पंडित को, कहीं हमें देख के सारा भाग ना जाए। देवी माँ, राधा बेबी की शादी क्या हुई? हमारी तो बर्बादी हो गई। राधा बेबी गई तो बिंदिया भी घर छोड़कर कहीं चले गई। और देवी माँ देख, बिंदिया को ढूंढते ढूंढते हमारी ये क्या हालत हो गई है। माँ, उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जीना मुश्किल हो गया हमारा। देवी माँ, एक बार उससे मिलवा दे, उसका जलवा दिखा दे। इस बार हमें से एक की बीवी और दूसरे की भाभी बनकर ही रहेगी वो। देवी माँ, तेरी शरण में आए हैं। कुछ तो बता, कहाँ ढूंढे उसे? शमशान में। देवी माँ, देवता की आवाज़ है। अरे चुप, देवी माँ ने विद्या का पता बता दिया। शमशान घाट में। जय हो देवी माँ, जय हो। ये अंबर की जगह बंदर कहाँ से आ गए? ये कल्लू, तेरी खबर बराबर थी ना? हाँ भीमा, वो लोग आते ही होंगे। अंबर सिंह आ गया। आइए। खैर मर्द के साथ पूजा करना मेरे लिए मौत होगी, क्या फिर भी आप मुझे जबरदस्ती मंदिर ले जाएंगे? चलिए घर चलते हैं।
बच गया अंबर सिंह, लेकिन तेरा क्रिया कर्म मैं अपने हाथों से करूंगा। पूजा कर ली तुम दोनों ने? हाँ माँ, ये लो प्रसाद। आज तक तूने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, और अब ये दूसरा झूठ बोल रहा है। क्या बात कर रही हो माँ, कैसा झूठ? एक झूठ वो सुहागरात जो कि कभी हुई नहीं, और दूसरा झूठ ये पूजा का प्रसाद, पूजा जो तुम दोनों ने की नहीं। मुझे तो पहले ही शक हुआ था, ये कौन सा राज है जो तू मुझसे छुपाना चाहता है, और क्यों छुपाना चाहता है? जब तू शादी करके आया था तो तेरा चेहरा कितना खिला खिला था, ये रात भर में अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। मुझे बताना ही पड़ेगा, क्या इसने कुछ किया? मैंने कहा ना माँ, कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ तो तेरी आवाज में ये तलखी कहां से आई? माँ तुम तो बस खामुखा कुछ ना कुछ बोलती रहती हो, इस घर से तो जंगल अच्छा है। बोल, मेरा बेटा तेरा पति नहीं है? नहीं है, नहीं है। बोल, फिर रित्रही, बोल, मेरा बेटा तेरा पति नहीं है? बोल, नहीं है, बोल, नहीं। माँ जी, बहू जानी के चाचा जी आए हैं। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। बहू, रुको। चाचा। राधा, राधा, मेरी गुड़िया, बेटी, बेटी ठीक तो हो ना? चाचा, राधा, आपके यहाँ ये कौन सी रस्म है जिसमें नई नवेली बहू को ऐसे तोहफे दिए जाते हैं? और आपके यहाँ की ये कैसी रस्म है जिसमें एक नई नवेली बहू अपने पति को पति मानने से इनकार कर दे? ऐसी बदचलन और बेशरम लड़की हमारे गले मरकर आप यहाँ किस मुंह से आए हैं? अगर राधा बदचलन और बेशरम है तो गंगा पतिता है, और ये मत समझिएगा कि हम लड़की वाले हैं इसलिए आप जो भी कहेंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। अरे अरे, हमने तो फूलों को भी ये इजाजत नहीं दी थी कि वो हमारी बेटी पर कोई गुस्ताखी करे। बहू तुम अंदर जाओ। राधा कहीं नहीं जाएगी। आप यहाँ हमारा अपमान करने आए हैं? मैं यहाँ राधा को लेने आया हूँ। हमारे यहाँ एक बार बहू घर की चौखट के अंदर आ जाए फिर उसकी अर्थी ही बाहर जाती है। अर्थी तो निकलेगी इस चौखट से, मगर एक नहीं सैकड़ों। ये ठाकुर श्रीकांत की प्रतिज्ञा है। क्या बात है माँ? बहू के चाचा अपनी भतीजी को लेने आए हैं। ठाकुर साहब, शादी के बाद आपका आशीर्वाद लेने का मौका ही नहीं मिला। जीते रहो बेटी। आप राधा को क्यों ले जाना चाहते हैं? इसकी वजह आपकी माता जी ने राधा के बदन पर जगह जगह अपने हाथों से लिख दी है। लीजिए, पढ़ लीजिए। देख लिया आपने? मां, चलो बेटी। कहां ले जाएंगे आप मुझे चाचा जी? वही जहां से मेरी अर्थी निकली थी। अगर तुम्हें उस घर में रहना पसंद नहीं तो हम कहीं और जाके रहेंगे बेटी। तेरा चाचा इतना गया गुजरा नहीं कि तेरा पेट नहीं भर सके। नहीं चाचा, अब राधा यहां से निकलेगी तो अपने श्याम में खो जाने के लिए। श्याम, मुझे तो ये सोचकर भी डर लग रहा है, मोहब्बत की ये दीवानगी ना जाने तुम्हें कहां ले जाएगी। अब तो श्याम की एक ही मन से लपिन दिया, मौत या राधा। आप कब तक मुझसे माफी मांगते रहेंगे? कब तक झूठ बोल बोल कर मुझे बचाते रहेंगे? मेरे कारण आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। मैं सोच रहा था जगह बदलने से शायद किस्मत बदल जाए, क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चले जाएं। पालनपुर हिल स्टेशन पे हमारी कोठी है। पालनपुर, जहां मैंने पहली बार आपको देखा था। हाँ, जहां मैंने पहली बार कुछ सुना था।
क्या? तुम्हारी बांसुरी की आवाज। बांसुरी खूब बजाता है, अगर राधा यहाँ होती तो धुन सुनकर रुक नहीं पाती, दौड़ी दौड़ी चली आती। राधा यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है राधा, बताओ। राधा के नाम की माला जपने वाले, अपनी औकात देखी है तूने? आज राधा ठाकुर अंबा सिंह की पत्नी है, उनकी इज्जत पे हाथ डालने का अंजाम जानता है तू? ए पगले, ये तो खैर मना के ठाकुर अंबर सिंह अपने पत्नी के साथ कहीं बाहर गए हुए, अगर वो यहाँ होते तो तेरी इसी जगह यही समाधि बना देते। चल राधा, कहाँ तुम राधा, अब कहाँ ढूंढूं तुम्हें? सचमुच राधा का बहुत बड़ा दीवाना है, अरे इतनी श्रद्धा से ये अगर भगवान को भी चाहता तो वो भी इसे मिल जाते। अरे तुम लोग क्या समझोगे, मैं तो अपने भगवान को ही ढूंढ रहा हूँ, बल्कि सच तो ये है कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो मुझे भगवान से भी ज्यादा प्यारी है, मेरी राधा। आप है कहाँ जी? इस कमरे में हम दोनों हैं, फिर भी लगता कोई नहीं। सच, अगर आपकी उदासियों को जमा किया जाए तो इस दिन के उजाले में भी रात हो जाए। दिन हो या रात, मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। मैंने तो सोचा था कि जगह बदलने से किस्मत बदल जाएगी, मगर मेरी रातों के मुकद्दर में अभी तक चांद नहीं। हमें आए 3 दिन हो गए और आपने अभी तक कोठी के बाहर कदम तक नहीं रखा। भीतर वीराना होना ठाकुर साहब, तो बाहर भी वीराना हो जाता है। मैं इतने करीब से आपको आवाज दे रहा हूं, फिर भी मेरी आवाज आपके दिल तक नहीं पहुंचती, और उतनी दूर से उस बांसुरी की आवाज पहुंच गई। मेरा दिल मेरे पास कहां है ठाकुर साहब? आप वहां दस्तक दे रहे हैं जहां कोई नहीं रहता। इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन आज मुझे समझ में आया, जब फल सामने हो तो इंतजार कितना मुश्किल होता है। इंतजार का फैसला आपका था, मेरी शर्त नहीं। मेरा फैसला आप जानते हैं। हमें डर है कहीं हमारा सब्र टूट ना जाए। वचन एक ठाकुर ने दिया था, लेकिन प्यार तुमसे अंबर सिंह ने किया है, वो अंबर सिंह जो अपनी मंजिल से सिर्फ कुछ कदम दूर अपनी हसरतों और अरमानों की आज में झुलसता हुआ
इंतजार कर रहा है। एक ठाकुर अपना वचन तोड़ नहीं सकता और अंबर सिंह अपना वचन निभा नहीं सकता। सिर्फ आप ही हमें इस वचन से मुक्त कर सकते हैं। मैं आपसे भीख मांगता हूं, मैं आपसे भीख मांगता हूं। वचन आपने दिया था, हमने मांगा नहीं था, इसलिए उसे निभाना भी आपका फैसला होगा और उसे तोड़ना भी आपका फैसला होगा। ये क्या किया आपने, ये क्या किया आपने? धनीराम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। राधा, 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 राधा। Love letter.
अरे भाई उठो, रास्ते में क्या सोयो? उठो उठो, ये तो दीवाना लगता है। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं मजनू। ये तो दुर्गा का बेटा है श्याम। इसकी माँ तो इसके गम में मर गई। ये भी तो पुलिस की गोलियों से मारा गया था ना। पुलिस की गोलियों से तो बच गया, मगर ठाकुर साहब के कहर से कैसे बचेगा? आप मुझे उस शाम की हांडी फोड़ने का बयाना दे रहे जिसने एक बार जेल से भागने में मेरी मदद की थी। क्यों, तुम्हें इसमें कोई एतराज है? बयाना मिले तो मैं अपने बाप की भी हांडी फोड़ दूं। अगर एक बात समझ में नहीं आई ठाकुर साहब, आप उस दीवाने मजनू का शिकार क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि उसके दीवान की अब हमारी रुसवाई बनती जा रही है, और फिर हमारी बेटी राधा ठाकुर अमर सिंह की पत्नी है। हम नहीं चाहते हैं केश की यह दास्तान ठाकुर अमर सिंह के कानों तक पहुंचे। उस हरामजादे शाम की वजह से आज हमारी बेटी जिंदगी को ठुकरा कर मौत को गले लगाना चाहती है। इस सारे फसाद की जड़ वो हरामजादा शाम है। हम चाहते हैं कि तुम उस जड़ को हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक दो। आप फिक्र न कीजिए ठाकुर साहब, शाम की हांडी तो मैं फोड़ ही दूंगा। और हांडी फोड़ने में मजा बहुत आएगा। नहीं, अपने जीते जी मैं शाम को मरने नहीं दूंगा। नदी में कूद गई। नदी में? जी हाँ, नदी के उस पार कोई बांसुरी बजा रहा था। उसे सुनते ही मालकिन श्याम श्याम कहते हुए नदी में कूद गई। श्याम, श्याम तुमने क्या किया? अपनी उंगली काट कर तुम्हारा नाम लिखा था राधा, अपने खून से तुम्हें पैगाम लिखा था। मेरे लहू की एक एक बूंद तुम्हारा नाम लेती थी, तुम्हें पुकारती थी। तुम्हारे लहू की हर बूंद मेरा नाम बनने से पहले मेरे हाथों की ही ना बनती थी। तुम्हारा एक एक आंसू मेरे आंखों में उम्मीद का चिराग जलाता था। इस इंतजार के कारण तो मैं जिंदा रही श्याम, वरना राधा कब की लाश हो गई थी। और अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई काम नहीं।
मौत की बात मत करो राधा, अब तो हमें नई जिंदगी शुरू करनी है, नई जिंदगी शुरू करनी है। कुछ मत कही ठाकुर साहब, इसने कुछ नहीं किया। किया क्यों नहीं, मोहब्बत की है हमने। खामोश, मैं तुमसे नहीं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं। मैं आपके पांव पड़ती हूँ ठाकुर साहब, इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए ठाकुर साहब, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। हमने आपके लिए झूठ बोला, आपकी हर गलती को माफ किया, आपकी हर गुस्ताखी को पर्दे में रखा, और आप ठाकुर खानदान की हर मान मर्यादा को बेपर्दा करके चली आई। हमने एक पति के हक को ठोकर मार दी, लेकिन आपकी इज्जत को दाग नहीं लगने दिया, और आप एक पति की इज्जत को ठोकर मारकर चली आई, और आज भी आपको उस पति की फिक्र नहीं जिसका प्यार इंतजार की आग में हर लम्हा चलता रहा, बल्कि आज भी आपको इसकी फिक्र है। तो ठीक है, आज तक आपने एक ठाकुर का सब्र देखा है, आज उसका इंतकाम भी देख लीजिए। जिन शोलों पर मैं हर रात सोया हूं, उन शोलों पर तुम्हारा शाम कुछ देर खड़ा रहकर देखे कैसा लगता है। नहीं ठाकुर, तुम मेरे शव को छोड़ दो। नहीं राधा, मोहब्बत रहम की भीख नहीं मांगती, मोहब्बत बगावत है, और ये आग आग नहीं हमारा परचम है। अंबर सिंह, ये मत समझना कि मुझे जलाकर तुम इस आग को बुझा दोगे, ये आग हर शव और हर राधा के सीने में जलेगी, जलती रहेगी। परवाना जलने के लिए बहुत बेचैन है, लगा दो आग। ठहरो ठाकुर अंबर सिंह, जब तक ठाकुर श्रीकांत जिंदा है, अपनी बेटी की खुशियों की होली नहीं जलने देगा। बांधो इन्हें भी, ताकि हकीकत को अफसाना बनते हुए ये भी देख ले। अंबर सिंह तुम पागल हो गए हो, तुम्हें जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। अंबर सिंह, मेरा जहन्नुम तो यही था ठाकुर साहब, सोते जागते मेरा हर पल जहन्नुम था। देख क्या रहे हो, ये अन्याय मत कीजिए ठाकुर साहब, ये अन्याय मत कीजिए, और अगर करना है तो शाम के साथ मुझे भी जला दीजिए। प्यार अगर कसूर है तो सजा हम दोनों को मिलनी चाहिए ठाकुर साहब, इंसाफ कीजिए ठाकुर साहब, इंसाफ कीजिए। अगर तुम्हें जला दूंगा तो तमाशा को देखेगा। ठाकुर अमर सिंह, ये मत भूलो कि तुम्हारे ऊपर भी कोई है। अगर कोई है तो बुलाओ उसे, पुकारो उसे, देखता हूं कौन आता है। बदरारे बरसोरे दिन सावन बरसोरे, बदरारे बरसोरे
महताज नहीं रहा था, मौत हमारे जिस्म छीन सकती है, हमारा प्यार नहीं। मैं तो भूल ही गया था कि राधा और श्याम के बीच दीवार बनना वैसे ही है जैसे चांद और चांदनी के बीच दीवार बनना, सागर और लहर के बीच दीवार बनना, बदन और साय के बीच दीवार बनना। तुम्हारे प्यार ने तो आसमान का सीना चीर कर रख दिया। मैं एक इंसान हूं। अंबर सिंह, तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम एक सच्चे ठाकुर हो। वो तो तब साबित होगा जब मैं खुद राधा और श्याम का ब्याह रचाऊंगा। अरे वाह, यहां तो आशिकों की महफिल सजी हुई है। इस मजनू ने जेल से भागने में मेरी मदद की थी, पर क्या करूं, ठाकुर अजीत सिंह से इसकी हांडी फोड़ने का बयाना मैं ले चुका हूं। और एक बार जब मैं बयाना ले लेता हूं तो हांडी फोड़े बगैर नहीं मानता। ये बात ठाकुर श्रीकांत से पूछ लो, इनकी कस्तूरी की हांडी भी मैंने ही फोड़ी थी बयाना लेके। ठाकुर अंबर सिंह, इसी लौंडिया की वजह से तूने मुझे जेल भिजवाया था ना। तेरी हांडी तो मैं बगैर बयाना लिए फोड़ूंगा और फीस इस लौंडिया से वसूल करूंगा। कुत्ते, उस दिन तो तू बच गया था लेकिन आज तो नहीं बचेगा।
को छोड़ दो श्याम। ठाकुर साहब नहीं, अपनी राधा को बचा लो। Yeah!
दिया है सुरों ने मुझे नई जिंदगी दी श्याम। श्याम श्याम नहीं, तो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते श्याम, मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। राधा राधा बेटी आप आ गए पापा, मुझे मालूम था आप मेरी डोली को कंधा देने जरूर आएंगे। श्याम 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 आप हार गए पापा। नहीं बेटी, मैं तुम दोनों को जुदा करने के लिए नहीं आया हूं। श्याम बेटे, तुम्हारे प्यार ने मेरी आंखें खोल दी बेटी। ये तुम्हारे लव लेटर्स जिन्हें मैं कागज के टुकड़े समझता रहा, आज मैं समझाऊं कि प्रेम की गीता है ये, जो श्याम ने अपनी राधा के लिए अपने खून से लिखी थी। आंखें खोल बेटे, ठाकुर अजीत सिंह तुमसे तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगता है बेटे। आंखें खोल श्याम, आंखें खोल, अपनी राधा के लिए आंखें खोल बेटे। दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया, दीवानी 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 तेरी हो गई। जब से तू दिल में समा गई, तेरी बाहों में आई, जब से तू दिल में समा गई।